हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूँ, आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रही। ये आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू और अपडेटेड बुक है तो उसके जो कम्प्लीट जो सोल्यूशन है यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। चलिए फर्स्ट जो आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट जो आता है आपका, विच ऑफ दिस एरियाज अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, इनमें कौन से जो एरिया है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, तो वो होगा आपका सी अ फर्टाइल प्लेटोज। फर्टाइल प्लेटोज में जो प्लेटो एरिया है तो वो प्लेन होता है, फर्टिलिटीज है वहां पर तो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, तो इस कारण से। देन सेकंड आता है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉन एग्रीकल्चर लैंड, इनमें से कौन जो है आपका नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, तो अरेबल फॉलो फॉरेस्ट या फिर कल्टिवेबल वेस्ट, तो यहाँ पर सी हो जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो वहां पर फॉरेस्ट ग्रो होता है, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका, Identify the layer of the soil with the help of the following information. आपको इन इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको क्या करना है, सॉइल कौन सा टाइप है, इट इज अ डार्क इन कलर, इट हैज अ फाइन टेक्सचर, इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज द लेयर अबव सब सॉइल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पेरेंट मटेरियल, बेडरॉक्स, या फिर टॉप सॉइल, या फिर सरफेस लेयर। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टॉप सॉइल है ना। सो ये आपका थर्ड का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका, मैच द फॉलोइंग, मैच करने मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन और उसका डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे, दोनों को आपको मैच करना है। इंटरक्रॉपिंग, फिर आपका आता है प्लाविंग, या फिर आपका टेरेस फार्मिंग, और आपका फोर्थ है क्रॉप रोटेशन। तो आपको इनको आपस में एक दूसरे से मैच करने है। इंटरक्रॉपिंग में जो डिफरेंट क्रॉप्स है वो क्या करना है, ग्रो आपका जो अल्टरनेट रो मीन सेम, या फिर जो टेरेस फार्मिंग क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट आपके ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट का जो सेकंड किस में दिख रहा है आपका, बी और डी में नजर आ रहा है, तो आपका बाकी ए और सी तो आपका कट हो जाएगा। देन प्लाविंग, प्लाविंग इसका है खेतों को जुराई करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा गली, फोर्थ आ जाएगा सेकंड का, फोर्थ आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ही ऑप्शन में आपको पता चल गया। देन नेक्स्ट आता है आपका, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज 1000 लीटर, द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन इट वुड बी अबाउट, कितना होगा। अगर अर्थ का जो है 1000 लीटर जो है पूरा वाटर है तो इसमें से कितना, तो मिनिमम जो आप देखोगे तो लगभग जो एक 30 जो लीटर्स है हमारा क्या होगा, फ्रेश वाटर है, बाकी सब क्या है, सॉल्टी वाटर है। देन अ फ्यू ईयर्स बैक द प्लेसेज दैट लाई अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी एक्सपीरियंस फ्लड, दिस कुड बी बिकॉज मिस कुछ साल पहले या फिर देखा जाए तो कावेरी रिवर के पास में था तो वहां पर फ्लड आया था। तो डिफरेंट ऑप्शंस है क्यों, किस कारण से वहां पर जो है फ्लड आने का रीजन रहा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी देयर वाज अ हैवी रेनफॉल इन द प्लेसेस थ्रू विच द कावेरी फ्लोस, मतलब कावेरी रिवर जहां पर बहती है उसके आसपास जो एरिया है वहां पर हैवी रेनफॉल हुआ था जिसके कारण से वहां पर फ्लड आ गया था। देन नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ यूज ऑफ मल्टीपर्पज डैम, मल्टीपर्पज डैम का क्या यूज नहीं है, तो फ्लड कंट्रोल ये तो है, लैंड रिक्लेमिनेशन, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन से, तो यहाँ पर भी ऑप्शन है वो नहीं है, लैंड रिक्लेमिनेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको डिफरेंसेस बताने हैं प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड इज लैंड ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंसर्न, बट कम्युनिटी लैंड इज शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर पर्पस सच एज फूडर कलेक्शन, कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड सो ऑन। प्राइवेट लैंड किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास होता है, मालिक होता है उसका, बट कम्युनिटी लैंड है वहां पर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, लोगों का जो समूह है वो उसके जो है मालिक होते हैं, या फिर वो कोई भी जो लैंड है उसको कलेक्टिवली शेयर करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। फिर आपका अरेबल फैलो लैंड और कल्टिवेबल वेस्ट में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो अरेबल लैंड देखें, तो अरेबल लैंड इज लैंड दैट कैन बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, अरेबल लैंड मीन वहां पर खेती बाड़ी के क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए, उगाने के लिए यूज किया जाता है। फेलो लैंड इज लैंड दैट कैन बी यूज फॉर क्रॉप कल्टिवेशन बट हैज बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ सीजन, मींस फेलो लैंड ऐसा है जहां पर खेती क्रॉप कल्टिवेशन किया जाता था बट अभी जो है नेक्स्ट जो इस सेशन या फिर प्रीवियस सेशन में वहां पर कल्टिवेशन नहीं हुआ है तो उसे हम फेलो लैंड कहेंगे। देन कल्टिवेबल वेस्ट, कल्टिवेबल वेस्ट इज लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड बट हैज बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, मींस पहले वहां पर कल्टिवेशन होता था और कल्टिवेशन किया भी जा सकता है बट 5 ईयर्स हो गए हैं, 5 ईयर से ज्यादा हो गया वहां पर खेती बाड़ी कल्टिवेशन नहीं होता है तब उसे हम कल्टिवेबल वेस्ट कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका,
मल्चिंग एंड काउंटर बडिंग। अब ये जो है मल्चिंग इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच द बेयर लैंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक स्ट्रो टू ट्रैप मॉइस्चर। मतलब मॉइस्चर को बना के रखने के लिए मल्चिंग जो है, तो सॉइल में जो है डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है आपके जो झाड़ियां वगैरह भूसे वगैरह उससे उसको कवर कर दे ताकि वहां पर जो मॉइस्चर है वो बना रहे। काउंटर बर्निंग में क्या होता है कि जो इन काउंटर बर्निंग स्टोन्स आर अर्थन इन बैंकमेंट्स आर बिल्ट अक्रॉस द स्लोप ऑफ हिल्स इन लाइन विद द काउंटर्स टू कैप्चर एंड होल्ड रेनफॉल। मीन्स क्या होता है कि खेतों के आसपास ये आपका जो है स्लोप है, ढाल है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर क्या बना दिया, इस तरह के बाढ़ बना दिए गए ताकि वहां पर रेनफॉल का जो वाटर है उसको हम कैप्चर कर सके, वाटर के फ्लो को हम स्लो डाउन कर सके, इसलिए काउंटर बर्निंग मीन्स जनरल लैंग्वेज में उसको मेड़ बनाना बोलते हैं, है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सो सरफेस वाटर इज फ्रेश वाटर फॉर्म इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस वाटर क्या है, तो एक फ्रेश वाटर होता है जो वाटर बॉडीज जनरली आपके रिवर पॉन्ड्स में पाया जाता है, ऊपरी सरफेस आपके सरफेस एरिया पर होता है। बट ग्राउंड वाटर इज वाटर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज द वाटर वी गेट फ्रॉम वेल्स स्प्रिंग्स एंड द गीजर्स। मीन्स ग्राउंड वाटर है तो अंडरग्राउंड होता है ना, सरफेस अर्थ के जो बिलो सरफेस के नीचे जो पाया जाता है तो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। हम उसको वेल के थ्रू स्प्रिंग या गीजर है तो उसके थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स। सो पेरेनियल रिवर्स आर दोज दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर सच एज द स्नोफीड रिवर्स गंगा। मीन्स पेरेनियल मीन्स हमेशा सदा प्रवाहित होते रहती है और उसका जो वाटर का सोर्सेज होता है वो स्नो फीड होता है, मतलब जब बर्फ पिघलता है बर्फ के पानी से वो जो है फ्लो होते हैं, जैसे गंगा रिवर्स, यमुना रिवर्स की हम बात करें। बट सीजनल जो रिवर्स है, सीजनल रिवर्स डिपेंड ऑन रेन्स फॉर देयर वाटर एंड ऑफ्टन रन ड्राई व्हेन देयर इज नो रेन सच एज द रिवर कृष्णा। मीन्स सीजनल रिवर क्या है, तो वो डिपेंड होता है आपका बारिश पर डिपेंड होता है ना। अब बारिश होगा तो वहां पर पानी आएगा, रेनफॉल्स नहीं, बारिश नहीं हो रहा, रेन नहीं हो रहा, तो वहां पर जो वाटर है वो एलिविटी बहुत कम हो जाती है और रिवर लगभग सूख जाता है, जैसे कृष्णा रिवर इसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट गिव रीजन वाले क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट आता है ह्यूमन ऑक्यूपाइड जस्ट अ फ्रिक्शन ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब ह्यूमन है अर्थ के जो बहुत ही कम एरिया पर है, तो इसका आंसर है लैंड फॉर्म्स ओनली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड फॉर्म जो है हमारे अर्थ का जो लगभग 29-30% है, सो द रेस्ट इज वाटर, और बाकी जो है लगभग 70-71% हमारा वाटर है। तो ओनली अ फ्रिक्शन ऑफ दिस लैंड इज फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एज द रिमेनिंग कंसिस्ट ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड डिजर्ट्स है, फॉरेस्ट है एंड माउंटेन्स। मीन्स ये जो 30% जो अर्थ सरफेस है उसमें से भी लगभग बहुत कम परसेंट पर ह्यूमन हैबिटेशन रहते हैं, क्योंकि बाकी जो है डिजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है या फिर माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पर जो पीपल्स का जो रह पाना है वो बहुत कठिन होता है। देन सेकंड आता है वी शुड कंजर्व सॉइल, सॉइल को हमें कंजर्व करना चाहिए। रीजन बताना है तो सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कैन टेक अप टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सॉइल इज अ वाइटल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट विच आर अ वाइटल सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बींग्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एनिमल्स। सॉइल मस्ट देयरफॉर बी कंजर्व। मीन्स सॉइल का फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको 100 बनने में 100 से लेकर 1000 ईयर्स लग जाता है, और सॉइल हमारे लिए बहुत ही वाइटल, बहुत ही जरूरी रिसोर्स है, क्योंकि इसी से जो है प्लांट कल्टिवेशन होता है और जो प्लांट्स है वो फूड के जो डिफरेंट, चाहे वो एनिमल्स हो, लिविंग थिंग्स है, उनके लिए फूड के जो सोर्सेज के रूप में है, फूड हमें प्लांट से ही मिलता है, और एनिमल्स है वो उसका शेल्टर, मीन्स एनिमल्स वो प्लांट्स में रहते हैं। सो इन सब कारण से हमें सॉइल को कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है, हमें कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कॉटन ग्रो किया जाए, रीजन क्या है। सो मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र लाइज इन द डेक्कन प्लेटूस विच इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द डीप एंड क्लेई ब्लैक सॉइल फाउंड इन एंड अराउंड लावा प्लेटूस। मीन्स महाराष्ट्र जो है डेक्कन प्लेटूस है और वहां पर जो डीप और क्लेई जो ब्लैक सॉइल है वो पाया जाता है, जो जनरली लावा प्लेटूस वाला एरिया है ना, तो वहां पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो दिस फर्टाइल एंड क्ले सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन मेकिंग महाराष्ट्र वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। और ये जो क्ले और जो फर्टाइल ब्लैक सॉइल है वो जो है कॉटन के कल्टिवेशन के लिए बहुत ही बेहतर है, जिसके कारण से महाराष्ट्र में कॉटन जो है ग्रो किया जाता है सबसे ज्यादा। देन नेक्स्ट फ्रेश वाटर इज अ क्रिटिकल रिसोर्सेस, फ्रेश वाटर क्या है क्रिटिकल रिसोर्स, इसका रीजन आपको बताने हैं। तो आंसर
फ्रेश वाटर कंप्राइजेस ओनली अबाउट 3% ऑफ ऑल वाटर ऑन द अर्थ. आउट ऑफ दिस ओनली 1% इज अवेलेबल रेडली फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज द रेस्ट इन कॉन्टेन इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका. मीन्स फ्रेश वाटर है वो 3% है. सो 3% में भी ओनली 1% है हमारे लिए ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन के उपयोग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि बाकी अदर जो 2% है वो ग्लेशियर और आइस शीट के रूप में आर्कटिक और अंटार्कटिक या फिर जो माउंटेन रेंज है जहां पर आइस से कवर्ड है, स्नोफील्ड से है, तो वहां पर पाया जाता है. तो ओनली जो है 3% में से 1% ही ह्यूमंस के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल है. तो इस कारण से फ्रेश वाटर क्रिटिकल रिसोर्स हो जाता है. देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ. ब्रीफ वाले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लैंड यूज. लैंड यूज को क्या जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है. आंसर है लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, डायवर्सिटी ऑफ वाटर एंड ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, डायवर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. मीन जो लैंड जो है उसका जो यूज है वो फिजिकल फैक्टर, जैसे उसकी बनावट प्लेटो एरियाज है कि आपका क्या है, माउंटेन एरियाज है कि प्लेन एरियाज है, सॉइल कैसा है, फर्टिलिटी है कि नहीं है, क्लाइमेट किस तरीके से है, मिनरल्स किस तरीके से सॉइल में पाया जाता है, देन एबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब जो डिपेंड करता है कि जो सॉइल लैंड यूज है उसको फैक्टर्स डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, एबिलिटी ऑफ कैपिटल्स और जो टेक्नोलॉजी, ये सब डिपेंड करता है. इससे जो लैंड का जो यूज है वो किस पर्पज के लिए किया जाएगा ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द लैंड डिग्रेशन. लैंड डिग्रेशन क्या होता है, तो आंसर देखें लैंड डिग्रेशन मीन्स डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड रिजल्टिंग फ्रॉम अनसाइंटिफिक और अनसुटेबल यूज. लैंड डिग्रेशन मीन्स क्या होता है कि जो डिक्लाइन होता है फर्टिलिटी का, प्रोडक्टिविटी का, जो लैंड पर हम कल्टिवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसकी जो उत्पादकता है, उनकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाता है, तो उसे हम लैंड डिग्रेशन कहते हैं. और इससे क्या होता है, इसका जो रिजल्ट अनसाइंटिफिक और अनसुटेबल यूज, और इसका जो रिजल्ट रीजन क्या है कि जो हम अनसाइंटिफिकली और अनसुटेबल यूज करते हैं लैंड को, उसके कारण से लैंड जो है डिग्रेड हो जाता है. देन व्हाट इज सॉइल. सॉइल क्या होता है, सो आंसर देखें सॉइल रेफर्स टू द लूज कवरिंग ऑफ फाइन रॉ पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इट ऑल्सो कंप्राइज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स. मीन सॉइल क्या है, तो जो रॉक पार्टिकल के जो लूज छोटे छोटे जो कण होते हैं, है ना, जो सरफेस के अर्थ में, जो अर्थ के ऊपरी भाग में पाया जाता है, और इसमें जो है डिकिंग जो ऑर्गेनिक मैटर, सड़े हुए गड़े हुए जो ऑर्गेनिक जो मैटर्स है वो और मिनरल्स है सॉइल में मिक्सर होते हैं. देन नेक्स्ट व्हाट इज द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है, सो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस टू अर्थ, राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड द फॉल अगेन टू द सरफेस एज अ प्रिसिपिटेशन. द वाटर फॉलिंग ऑन लैंड कलेक्ट इन रिवर एंड लेक, सॉइल एंड पोरस लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड मच ऑफ इट्स फ्लो बैक इन टू द ओशियन फ्रॉम वेयर इट वंस अगेन मोर इवेपोरेट. दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. समझ में आ गया. वाटर वेपर्स क्या होता है, अर्थ में जो सरफेस एरिया पर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो गर्म होकर वाष्प बनता है, फिर वो राइज होकर ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहां पर ठंडा होता है और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, कंडेंस हो जाता है वहां पर और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रिसिपिटेशन के रूप में सरफेस पर वापस आ जाता है, रेनफॉल स्नोफॉल के रूप में. सो देन वाटर जो है फॉल होता है लैंड पर, फिर वो जो है रिवर लेक में, सॉइल में, पोरस जो रॉक्स मतलब अंडरग्राउंड रॉक चला जाता है सरफेस अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, फिर वो बहते हुए ओशियन चला जाता है, फिर वहां से इवेपोरेट होता है. तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फिर प्रिसिपिटेशन का जो प्रोसेस होता है, इसे हम जो है वाटर साइकिल कहते हैं. नेक्स्ट व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो आंसर देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर दैट रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप, पार्क्स, रोड्स एंड ओपन ग्राउंड्स यूजिंग अ सिस्टम ऑफ टैंक्स एंड द पर्कुलेशन स्पीड्स एंड मेकिंग दिस वाटर सुटेबल फॉर डेली यूज. इन द प्रोसेस वाटर इज कंजर्व. मीन्स रेन वाटर, तो जो भी वाटर जो चाहे वो रेनफॉल से हो रहे हैं, तो जो छत है, पार्क है, रोड्स है, ओपन ग्राउंड है, उसके जो वाटर को हम कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना, अंडरग्राउंड जो टैंक बना हुआ है, पर्कुलेशन पीट मीन्स गड्ढा बना देते हैं जहां से पानी निकल कर जमीन के नीचे चला जाता है, फिर इन जो वाटर को हम डेली यूजेबल बनाते हैं, तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं, और ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. देन नेक्स्ट
डिटेल वाले क्वेश्चंस, डिटेल के क्वेश्चन कुछ लॉन्ग भी हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही उस तरीके का होता है जो शॉर्ट करना चाहे भी तो नहीं कर पाते हैं ना, तो ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट वेज इन विच लैंड कैन बी क्लासिफाइड, लैंड का जो क्लासिफिकेशन किस डिफरेंट तरीके से है तो उसको आपको डिटेल में बताने हैं। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, जैसा आपसे आता है रिलीफ एज प्लेटोज प्लेन्स एंड माउंटेन, रिलीफ के अकॉर्डिंग टू देखें तो प्लेटोज प्लेन और माउंटेन्स है। फिर आपका आता है सॉइल फर्टिलिटी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्टाइल लैंड और आपका बैरन लैंड मीन उपजाऊ लैंड होता है और बंजर लैंड होता है। फिर आपका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो देखे तो रूरल और अर्बन लैंड, मतलब रूरल एरियाज पर गांव में है तो रूरल, अर्बन एरियाज पर है तो शहरों में है तो अर्बन लैंड। देन ओनरशिप, ओनरशिप के अकॉर्डिंग टू देखे एज प्राइवेट, जो प्राइवेट होता है मतलब पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल से बिलोंग करता है ना। कम्युनिटी लैंड बॉन्ड, कम्युनिटी बॉन्ड मीन्स बिलोंग यूज बिगन यूज एंड हेल्ड बाय अ कम्युनिटी आर द गवर्नमेंट, मीन्स ये या तो कम्युनिटी गांव में समूह में लोगों के पास होता है या फिर गवर्नमेंट के पास होता है जो जनरली ये कॉमन यूज के लिए उसको यूज करते हैं। फिर आपका आता है लैंड यूज, लैंड जो यूज करते हैं उसके अगर इसी का पॉइंट है ना, जिसमें आपका आता है अरेबल लैंड जो आपका सुटेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है, ब्रैकेट वाला आप नोट नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा है ना। पेस्टर लैंड, पेस्टर लैंड में जो एनिमल ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड जहां पर ट्री कवर्स प्लांट्स वगैरह होते हैं। फैलो लैंड जो आपके लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड बट लेफ्ट अनयूज फॉर अ सीजन, मतलब एक सीजन से वहां पर खेती नहीं हो रहा है उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। कल्टिवेबल वेस्ट, जो लैंड जो है कल्टिवेशन होता था बट मोर देन 5 ईयर से वहां पर कल्टिवेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम कल्टिवेबल वेस्ट कहते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो जनरली नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जैसे बिल्डिंग के लिए, रोड्स के लिए, आपके ब्रिजेस के लिए, तो ये सब जो चीजें आपके नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लैंड यूज के जो आपके क्या हुए डिटेल क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स और होरिजन, ईच ऑफ दिस लेयर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब सॉइल होरिजन भी कहते हैं सॉइल लेयर को है ना, तो अलग अलग डिफरेंट प्रोपोजिशन होते हैं। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ दिस लेयर इज अ सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। देयर आर फाइव मेन लेयर्स, फाइव मेन, यहाँ पर डायग्राम आपको नजर आ रहा है आपके बुक्स में भी है और उसके बारे में डिटेल यहाँ पर बुक्स में दिया हुआ है। दिस इज अ थिन बट वेरी फर्टाइल लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ लीफ लिटर्स एंड ह्यूमस डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सरफेस लेयर ऊपरी भाग है जहां पर डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं। देन टॉप सॉइल है ना, टॉप सॉइल, दिस लेयर इज डार्क इन कलर विद अ फाइन टेक्सचर, इट इज रिच इन ह्यूमस एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब ये जो है कलर में डार्क होता है, फाइन टेक्सचर्स होते हैं, ह्यूमस इसमें बहुत ज्यादा होता है और इसी पर जो ज्यादा जो प्लांट्स है वो ग्रो इस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहे हैं ना। देन नेक्स्ट आता है आपका सब सॉइल, टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल बी लेयर, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, दिस इट इज इट हैज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब सब सॉइल में लेयर में सैंड सिल्ट और क्ले होता है बट यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर्स है बहुत ही लो होता है ना। पेरेंट्स मटेरियल्स, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, दिस आर द रॉक फ्रॉम विच द टॉप सॉइल एंड द सब सॉइल फॉर्म, देयर इज नो ह्यूमस इन दिस लेयर, मतलब ये क्या है जो रॉक पार्टिकल से जो बने होते हैं ना, जो सॉइल तो वही जो रॉक पार्टिकल से बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर ह्यूमस नहीं होता है। देन बेड रॉक्स जिसे आर या फिर डी लेयर कहते हैं, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, और नीचे में सबसे जो सॉलिड रॉक बड़े बड़े जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं तो वो आपका, तो इस तरीके से ये डायग्राम आप बना सकते हैं और यहाँ पर वो पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड आता है आपका, अरेंज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्टिलिटी फ्रॉम लीस्ट टू द मोस्ट फर्टाइल एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफली, अब डिफरेंट टाइप के सॉइल पाए जाते हैं उसके बारे में नोट डाउन करना है और जो कम जो फर्टिलिटी है उससे ज्यादा फर्टिलिटी के हमें सॉइल को डिस्क्राइब करते जाना है। आंसर लंबा होगा है ना। गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इंडिया रेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट फर्टाइल टू मोस्ट फर्टाइल। सबसे पहले आता है एरिड सॉइल, इज फाउंड इन ड्राई रीजंस एंड ऑकर्स इन डार्क शेड ऑफ रेडिश ब्राउन टू पेस्टल ब्राउन, इट हैज वेरी लो मॉइस्चर एंड ह्यूमस कॉन्टेंट, मतलब एरिड सॉइल है ड्राई रीजन में जहां पर पानी बहुत कम होता है वहां पर पाया जाता है, इसका जो कलर है रेडिश ब्राउन से लेकर पेस्टल ब्राउन पाया जाता है, मॉइस्चर और ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है इसमें। लेटराइट सॉइल देखें, इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग एंड इज
found in place that experience heavy rainfall. It is not fertilized. The fertile topsoil top layer is washed away and require fertilizer to be made cultivation. लेटराइट साइड जहां पर हैवी रेनफॉल्स होता है तो वहां पर जो रेनफॉल का जो वाटर है वो ऊपरी जो टॉप लेयर है जो फर्टाइल है उसको जो फर्टिलिटी को बहा कर ले जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता है, कल्टीवेशन कम होता है। बट अगर हम सुटेबल जो है फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है यहाँ पर। देन नेक्स्ट आता है आपका द रेडनेस ऑफ रेड सॉइल। अब नेक्स्ट आया आपको लेटराइट साइड के बाद रेड सॉइल आ गया है ना। रेड सॉइल इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। दिस सॉइल इज फर्टाइल इन द लो लैंड बट लेस फर्टाइल इन द अपलैंड। देन नेक्स्ट आता है आपका पिटी एंड फॉरेस्ट सॉइल। इज फाउंड इन प्लेस विद डेंस वेजिटेशन। दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एज द ऑर्गेनिक मैटर दैट एक्युमुलेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर डिकम्पोजेस टू प्रोवाइड द सेम। पिटी और फॉरेस्ट सॉइल है तो वो जो जहां पर डेंस वेजिटेशन होता है वहां पर ये ग्रो करते हैं। इसमें जो है सॉइल में आपकी ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो भी प्लांट डिकम्पोज होता है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल नॉन एज अ रेगर और कॉटन सॉइल। इज फाउंड इन एंड अराउंड लावा प्लेटो एंड इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड क्लेई। इट्स स्वेल वेन wet and contract when dry resulting in the formation of deep cracks in summer. This soil is highly suitable for growing cotton. So black soil है वो आपका जो plateau areas पर और ये बहुत ही fertile होता है और clay होता है ना। ये water को बहुत अच्छे तरीके swell कर पाता है। जब wet season आता है dry season आता है तो बहुत बड़े बड़े cracks आ जाते हैं इसमें। और ये जो है ज्यादातर cotton grow के लिए इसका use किया जाता है। Next आता है आपका large जो soil है alluvial soil is a rich and fertile soil formed by the deposition action of river. Weathered material from the higher reaches of river get carried and deposited along the bank of river in the plain. The soil is rich in minerals and good for growing most types of crops. So alluvial soil hai wo river ke jo depositions ke activities se uska formation hota hai aur river jo hai jab upri bhag mein katav karke lata hai to apne sath jo mitti rate vagaira hai usko deposit karte jata hai apne kirane wale area mein. तो इस सॉइल में वो मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है और इस कारण से ये क्रॉप ग्रोइंग करने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वाटर स्कैर्सिटी इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव क्रिएटेड। जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। वाटर का जो समस्या है कमी है हमने खुद क्रिएट किया तो इसके बारे में आपको आंसर बताने हैं। आंसर देखें वाटर स्कैर्सिटी इज कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। पूरे विश्व लेवल पर देखें तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, समस्या है। अ मेजर रीजन फॉर दिस हैज बीन द ग्रेट स्पाइक इन ग्लोबल पॉपुलेशन व्हिच हैज लेड टू अ इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर एंड पुट एडिशनल स्ट्रेन ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। मतलब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो लोगों को पानी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज है उस पर एक ज्यादा प्रभाव पड़ते जा रहा है और पानी की कमी होती जा रही है। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। As a result, a large part of existing water resources is unfit for human use. Means increased industrial activities हुआ है तो water जो है उसका demand ही बढ़ गया, water pollution भी हो गया है तो इसके कारण से ज्यादातर जो polluted water है human की use के लिए fit नहीं होता है। Then climate change has resulted in variation in seasonal and annual rainfall, causing several water bodies to dry up. Means जो हमारा climate change हो रहा है तो रेनफॉल भी कम होने लगे हैं तो इससे वाटर बॉडीज बहुत जल्दी सूख जाता है, फिर पानी की कमी होने लगती है। देन इंडिया हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट मेनी प्लेसेस स्टिल फेस स्कार्सिटी ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। द वेरिएशन इन रेनफॉल्स एंड द सीजनल नेचर ऑफ सम ऑफ आवर मेजर रिवर वर एक्सप्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज अनदर रीजन। तो इंडिया में अबंडेंट रेनफॉल्स है बट किसी एरिया पर ज्यादा मिलता है हमें रिवर्स अच्छे अमाउंट में, कई एरिया पर आपको रिवर ही नहीं मिलता है और ज्यादा हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का, उसके कारण से भी हमें वाटर प्रॉब्लम्स होने लगे। इतने पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट आप स्किप करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं पॉइंट्स में, इसलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपका ये पिक्चर दिया हुआ है, अब इसको आपको देखकर पहचाना है कि विच मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज शो इन द पिक्चर। इसमें कौन सा जो वाटर कंजर्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर है मल्चिंग है ना, तो ये मल्चिंग मेथड है। देन नेक्स्ट आता है आपका इसी में क्वेश्चन हाउ डज इट हेल्प कंजर्व सॉइल, ये जो सॉइल को कंजर्व करने में कैसा हेल्प करता है। तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट विंड्स एंड रेन। ऑर्गेनिक मल्च लेयर रिड्यूस एवपोरेशन एंड डिकम्पोज ओवर टाइम हेल्पिंग द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर एंड एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल।
मीन्स जो ये जो आपका क्या होता है कि जो हमने मल्चिंग में जो है ऑर्गेनिक मैटर का एक जो लेयर बना दिया है वो विंड और रेन को क्या करता है, बैरियर का काम करता है। और साथ ही साथ ये जो है ऑर्गेनिक जो मल्च जो लेयर है वो क्या करता है, ऑपरेशंस को रिड्यूस करता है और बाद में वो डिकम्पोज होता है, तो मॉइस्चर को जो अप्रोच होने से वो रोकता है, तो उससे मॉइस्चर मिट्टी में बना रहता है और डिकम्पोज होने से सॉइल को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो है सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है। देन नेम टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन दैट विल नॉट बी सुटेबल फॉर अ टेरेन लाइक दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब ये जो प्लेन एरिया था तो यहाँ पर वो कौन से जो मेथड्स है जनरली यूज नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पर आंसर है कि जो टेरेसिंग है और काउंटर प्लगिंग है आर सुटेबल मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। मीन्स जो टेरेस और काउंटर जो प्लगिंग है वो जनरली आपका जो ये जो आपका प्लेन एरिया है वहां पर नहीं किया जा सकता। This method help in reducing soil erosion by slowing down the surface water flow and preventing it from washing away the topsoil. So, ये जो methods है वो क्या करता है, soil erosion को control करता है और जो साथ ही साथ जो topsoil को बहने से भी रोक सकता है। तो इस तरीके से ये जो इस chapter से related आपके जितने भी questions थे उसके जो solutions मेरे द्वारा provide कर दिए गए। Hopefully ये videos आपके हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।